नमस्कार, शिक्षक दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मुझसे कहा गया था कि मैं एक कहानी सुनाऊं। हम सब शिक्षक शिक्षिकाएं, हम सब इतने वर्षों से जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे पास अपने अनुभवों का पिटारा होता है, तो उन्हीं अनुभवों में से मैं एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं स्कूल बस में ट्रैवल किया करती थी। तो एक बच्चा एक दिन बहुत ही उछल कूद कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं एक चीज़ दिखाऊँ? हाँ हाँ दिखाओ, आओ मेरे पास आओ। तो वो मेरे पास आकर बैठ गया, फिर उसने ऐसे करके अपनी हथेलियाँ खोली और मुझे दिखाया। तो मैंने देखा, अरे ये क्या बना हुआ है? मैम ये ना मेरी मैम ने ना स्टार बनाया है। स्टार बनाया है? स्टार तो बहुत अच्छा है, ये मुझे दे दो। नहीं मैम, ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरी मैम ने बनाया है मेरे लिए। तुमने अच्छा काम किया था। हाँ मैम, मैंने अच्छा काम किया था, इसलिए मैम ने दो दो स्टार दे दिए, एक ही साथ में, एक ही साथ। अरे वाह, अच्छा रुको। मैंने ऐसे उसके हाथ पर किया और उसको कहा, ये लो तुम्हारा स्टार, अब मेरे पास आ गया। और उस बच्चे का चेहरा देखने लायक था, उससे लगा कि जाने पता है क्या चीज़ उसके हाथों से ले ली गई है। फिर उसने अपने हाथ की ओर देखा, नहीं मैम ये तो मेरे पास है। मैं कहा, नहीं मेरे पास, अच्छा दिखाइए। तो मैंने दिखाया, तो नहीं है मेरा स्टार तो मेरे पास है। तो मैंने कहा, हाँ स्टार तो तुम्हारे पास है। तो वो बच्चा इतना खुश था कि उसका स्टार कहीं नहीं जा रहा, और पूरे रास्ते भर मैं उसको देखती रही। वो बार बार अपने हाथों को खोलता, अपने स्टार को देखता, खुश होता। और अवश्य ही ये बच्चा जब घर पहुंचा होगा, उसके दादा दादी होंगे, सब लोग घरों में, सबको वो दिखा रहा होगा। तो एक छोटा सा जेस्टर उसकी टीचर का, जिसने कि उसके हाथों में स्टार बनाया था, वो एक स्टार कितनी खुशी दे रहा था उसको, वो उस खुशी से उबर नहीं पा रहा था। तो हर बच्चे के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उसके नज़दीक होती हैं, उसके दिल के नज़दीक होती हैं, और वो पता नहीं उसके दिन को उस दिन क्या बना दें। इसी तरह से जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो हम थोड़ी सी शायद कंजूसी करने लग जाते हैं। बीच बीच में हम उनको ज़रूर प्रशंसा की बातें करते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाती हैं। और धीरे धीरे जब हम भी बड़े होते हैं तो हम आपस में भी एक दूसरे को प्रशंसा के शब्द थोड़ा बोलने में पता नहीं कहाँ रुक जाते हैं। तो मेरा ये कहना था कि उस बच्चे के लिए जिस तरह स्टार इम्पॉर्टेंट था, वैसे हम बड़ों के लिए भी, हम टीचर्स के लिए भी वो स्टार की कीमत होती है। हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, इसलिए जब भी मौका मिले हर एक को, कभी किसी को अवश्य कहीं कोई अच्छी बात बता दे। क्योंकि एक टीचर ने अगर सुबह सुबह कोई एक अच्छी बात सुनी तो वह आज 200 बच्चों के पास जाएगी, और वो जो खिलखिलाहट उसके चेहरे पर होगी वो 200 बच्चों तक जाएगी। आशा है आपको आज की बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।